दोस्तों सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले कल्पोल 250 सायरप के बारे में। तो चलो सायरप के बारे में, जो गैलेक्सो स्मिथ फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है। इसमें पैरासीटामोल 250 mg कंटेंट है और इसकी मार्केट प्राइस लगभग 44 rupees है। तो चलो इस वीडियो में जानते हैं इसके यूजेस, साइड इफेक्ट और सब कुछ। कल्पोल 250 टैबलेट के फायदे। इसका इस्तेमाल सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द या दांत दर्द जैसी स्थितियों में दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ कल्पोल 250 सस्पेंशन। यह मस्तिष्क में कुछ ऐसे रसायनों को ब्लॉक करती है जिससे दर्द और बुखार उत्पन्न होते हैं। यह सिर दर्द, माइग्रेन, तांत्रिक दर्द, दांत दर्द, गले में खराश, मासिक धर्म में दर्द, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द से राहत दिलाने में प्रभावी है। यह दवा बहुत अधिक इस्तेमाल की जाती है और अगर इसे सही खुराक में लिया जाए इसको बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं। अधिक फायदे के लिए इसे डॉक्टर के बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही ले। जरूरत से ज़्यादा खुराक या लंबे समय तक इसका सेवन ना करें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। आमतौर पर आपको सबसे कम पावर वाली डोज लेनी चाहिए जो थोड़े समय के लिए सही ढंग से असर करे। यह गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान होने वाले दर्द के निवारण के लिए पहली पसंदी है। बुखार का इलाज। यह कुछ केमिकल मैसेंजर को रिलीज होने से रोकता है जो बुखार का कारण बनती है। यह अकेले या किसी अन्य दवा के साथ लिए जा सकता है। इसको इसे नियमित रूप से डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार ले। चलो जानते हैं कल्पोल 250 के साइड इफेक्ट के बारे में। अगर साइड इफेक्ट होते भी है तो शरीर जब इस दवा के लिए अनुकूल हो जाता है तो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट बने रहते हैं या बच्चों और कोई परेशानी होती है तो बच्चों के डॉक्टर से बात करें। इसके सबसे आम दुष्परिणामों में शामिल है अपचन, पेट में दर्द, मिचली आना, उल्टी। इसे कैसे ले। इस दवा की खुराक और अनुमाप की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ले। इस्तेमाल करने से पहले लेबल की जांच कर ले। इसे मापने वाले कप से मापे और फिर पिए। इस्तेमाल करने से पहले अच्छे तरह से इसे हिलाए। इसे खाने के साथ या भूखे पेट भी ले सकते हैं लेकिन बेहतर यही होगा कि इसे एक तय समय पर लिया जाना चाहिए। इसे यूज करने के कुछ खास टिप्स। आपके बच्चों को एक घंटे के भीतर इस दवा का 4 से अधिक खुराक नहीं लेना चाहिए, इसलिए खुराक को बीच में 2 घंटे तक प्रतीक्षा करें। इस दवा के साथ पैरासीटामोल वाली अन्य कोई दवाएं भी कभी न दें क्योंकि इसके गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके बच्चों को लीवर या बीमारी है तो डॉक्टर को सूचित करें क्योंकि यह खुराक को एडजस्ट करना पड़ सकता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।